नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो आज हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाना है उनका। 5 तारीख को ये प्रक्रिया की जाएगी, उसके पहले आज उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। इधर आपको बताएं, कल हमने खबर भी दी थी कि तेजस्वी यादव पटना से कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और आज दिल्ली से वो सिंगापुर जाएंगे। यानी पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा तो बेटा तेजस्वी मौजूद रहेगा वहाँ पर। बड़े बेटे के भी जाने की सूचना है तेज प्रताप यादव के, यानी कि पूरा परिवार वहाँ जुट रहा है। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहले से हैं और रोहिणी आचार्य जो पापा को अपना किडनी देंगी। बार बार इमोशनल ट्वीट कर रही हैं, इमोशनल हो रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने इमोशनल ट्वीट किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि लालू यादव आज एडमिट होंगे, उनका तमाम जाँच की जाएगी। लगभग 38 तरह के टेस्ट किए जाएंगे ऑपरेशन के पहले, प्रत्यारोपण के पहले, और ये 5 तारीख को प्रत्यारोपण होना है, उसके पहले 38 तरह के टेस्ट किए जाएंगे और तमाम जो रिपोर्ट सामान्य आएंगे तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आज लालू यादव एडमिट किए जाएंगे हॉस्पिटल में और कल रोहिणी आचार्य को अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। दरअसल उन्हें किडनी देना है, उनकी ही किडनी का प्रत्यारोपण लालू यादव में किया जाना है। तो ऐसे में आज लालू यादव के तमाम टेस्ट किए जाएंगे और कल रोहिणी आचार्य के टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद 5 तारीख को किडनी का प्रत्यारोपण होगा। इस बीच पूरा परिवार सिंगापुर में जुट रहा है। तेजस्वी यादव आज शाम तक सिंगापुर पहुंचेंगे और पापा को उसके बाद एडमिट किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव की निगरानी में ये सब कुछ होगा। तेजस्वी यादव लगातार वहाँ रहेंगे, जब तक पापा का ऑपरेशन नहीं हो जाता, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक तेजस्वी यादव वहाँ बने रहेंगे। इस बीच रोहिणी आचार्य की बात करते हैं, जो बार बार इमोशनल हो रही है। पिछले दिनों जब उन्होंने बड़ा फैसला लिया था किडनी देने का पापा के लिए, तो कहा था ये तो एक मांस का टुकड़ा है, पापा के लिए तो पूरा जान न्यौछावर है। तो रोहिणी आचार्य बार बार इमोशनल हो रही हैं और एक बार फिर अब जब वो घड़ी नज़दीक आ गई है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाना है और आज लालू यादव एडमिट हो जाएंगे, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट का जो समय निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य एक बार फिर से इमोशनल हो गई हैं। फोटो उन्होंने जारी किया है, पापा के साथ बैठी हैं, पापा को संभाल रही हैं, पापा का ख्याल रख रही हैं। दरअसल सिंगापुर में वो रहती हैं और सिंगापुर में जब पापा आए हैं इलाज के लिए, तो रोहिणी आचार्य बार बार इमोशनल हो रही हैं। रोहिणी आचार्य ने बार बार इमोशनल होने के अलावा उन्होंने जो बड़ा फैसला लिया, दरअसल पापा के लिए, पापा को किडनी ट्रांसप्लांट, अपना किडनी देने के लिए उन्होंने जो फैसला किया, एक बड़ा फैसला था। हालांकि परिवार वाले तैयार भी नहीं थे, लेकिन रोहिणी आचार्य किसी भी कीमत पर पापा को अपना किडनी देना चाहती थी। तो अब वो वक्त आ गया है और रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से वो ट्वीट किया, एक बार फिर वो इमोशनल दिखी हैं और इमोशनल होकर उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने एक ट्वीट तस्वीरें जो साझा की हैं पापा के साथ, पापा को वो संभालती नज़र आ रही हैं और उसमें उन्होंने लिखा है, हमने ईश्वर न देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। मतलब भगवान का रूप मानती हैं पापा को। उनका कहना है कि हमने ईश्वर न देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। तो पापा के लिए बार बार इमोशनल हो रही हैं रोहिणी आचार्य। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया, और उसके बाद कहा कि वो पापा के लिए ये कोई जो उन्होंने फैसला लिया है ये तो छोटा मोटा फैसला है, जान भी देंगे, दे देंगे पापा के लिए, क्योंकि पापा ने जो कुछ किया है बच्चों के लिए वो भगवान के समान है हमारे लिए, इस तरह का उनका कहना है। और इसके बीच उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी साझा की थी, बचपन की तस्वीरें। तो इस फैसले से वो बार बार इमोशनल हो रही हैं और लगातार इसे साझा कर रही हैं। और अब वो घड़ी भी आ गई है, लालू यादव हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और उसके बाद उनका इलाज की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी आज से। और रोहिणी आचार्य भी कल हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, क्योंकि उनकी किडनी को लालू यादव में ट्रांसप्लांट किया जाना है। तो ऐसे में ये जो घड़ी है बिल्कुल परिवार के लिए एक बड़ी विचलित कर देने वाली घड़ी है। लोग उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, पूरा बिहार दुआ कर रहा है और पूरा देश, जहाँ लालू यादव ने एक बड़े नेता के तौर पर नाम कमाया है, तो पूरे देश की दुआ उनके साथ है कि लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर सिंगापुर से भारत आएँ, लोगों के बीच आएँ, अपने लोगों के बीच आएँ। और परिवार जो फिलहाल ये जो कहा जाए मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अभी फिलहाल
ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के वक्त जो परिवार के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक मन में है कि पापा का ऑपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाए, पापा स्वस्थ हो जाए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी आज पहुंच जाएंगे सिंगापुर और लगातार वो सिंगापुर में ही रहेंगे जब तक पापा स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम आपको ये तस्वीरें बता रहे थे और रोहिणी आचार्य का जो इमोशनल फिर टच एक बार पापा के साथ जो एक बार फिर से इमोशन उभरा है और उन्होंने शब्दों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए उन शब्दों को व्यक्त किया है और बताया है। एक बार फिर से बता दूँ क्या कुछ लिखा है उन्होंने कि हमने ईश्वर न देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। तो पापा के लिए वो इमोशनल होकर कह रही हैं कि ईश्वर तो मैंने नहीं देखा लेकिन पापा के रूप में ईश्वर को जरूर देखा। तो हम भी दुआ करते हैं कि लालू यादव जो जन नेता है, बड़े नेता है, सभी के दिलों में बसते हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, घर आए, अपने लोगों के बीच आए और लाखों करोड़ों की जो दुआएं हैं उनके साथ वो पूरी हो और लालू यादव स्वस्थ होकर पूरी तरह से फिर से सियासत की में अपनी नई पारी खेलें। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।